टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं जब तक टाइगर जिंदा है पीके का रिकॉर्ड नहीं तोड़ देती, मैं हर दिन आपको बताते रहूंगा इसके डे वाइज कलेक्शंस के कितना नजदीक है ये पीके का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द कंपेरिजन ऑफ डे 27 बिटवीन पीके, दंगल एंड टाइगर जिंदा है। यस फ्रेंड्स, फोर्थ वेडनेसडे यानी कि डे 27 को पीके ने कमाए थे 0.94 लाख। यस गाइस, 94 लाख रुपीस कमाए थे खाली पीके ने, और टाइगर जिंदा इन्हें कमाए 88 लाख रुपीस। बस 6 लाख का डिफरेंस है गाइस, 6 लाख का डिफरेंस। और दंगल ने कमाए थे 1.16 करोड़। तो आप देख सकते हो, कल बहुत लोग बोल रहे थे कि दंगल के कलेक्शन इतने नजदीक है डे 26 के, तो टाइगर जिंदा है दंगल के कलेक्शन को क्यों नहीं तोड़ सकती। तो उनको मैं यही बात बोलना चाहता हूँ गाइस, दंगल आस्ते आस्ते अपने फिफ्थ वीक में बहुत ज्यादा पिकअप कर ली थी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, इसीलिए वो उसके कलेक्शन 380 तक पहुंच गए थे। लेकिन जो पीके थी वो उसके फिफ्थ वीक में एकदम फ्लैट गिर गई और उसके कलेक्शन और गिरते चले गए। इसीलिए गाइस, ये बोलना अभी सेफ रहेगा कि टाइगर जिंदा है इज ऑल सेट टू बीट पीके एंड बिकम द सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन बॉलीवुड हिस्ट्री। और फ्रेंड्स, आज का कलेक्शन देख लिया आपने, पीके 94 लाख्स एंड टाइगर जिंदा है 88 लाख रुपीज। आज देखते हैं डे 26 को क्या कमाल, डे 28 को क्या कमाल दिखाती है टाइगर जिंदा है। कल मैं मिलूंगा आपको वापस से ये एपिसोड ऑफ दंगल वर्सेस पीके वर्सेस टाइगर जिंदा है के। सो फ्रेंड्स, एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, उम्मीद मत हारिए, टाइगर अभी जिंदा है। मियां मनसाई साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।